हेलो डियर, नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सबका आईएसपीसीएस बाय एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं कपिल देव और बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सबका अपनी इस उम्मीद बैच में जो 2023 के प्रीलिम्स के लिए दोस्तों टारगेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा चाहता हूं, थोड़ी सी देर हुई क्योंकि यहाँ पे कुछ कार्य चल रहे हैं तो उसमें थोड़ी सी देर हो रही है। ठीक है, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। सबसे पहले तो सभी लोग आप लोग जुड़ जाइए, फिर हम चलेंगे अपने एक ऐसे सफर पे जहाँ पे आपके क्वेश्चंस बनाते हैं यूपीएससी वाले या फिर आपके आयोग वाले। ठीक है, आप चाहे यूपीएससी के बच्चे हो चाहे यूपीपीएससी बीपीएससी के बच्चे हो, आपके लिए ये क्लास दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। याद रखिएगा, ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो कौन कौन जुड़ चुका है हमारे साथ इस समय। अविता जी स्वागत है दोस्त, खुशी जी स्वागत है, वैभव जी, विवेक जी बिल्कुल बिल्कुल स्वागत है दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। क्राइटेरिया है बेटे कि आपको क्या करना है, आपको बस ग्रेजुएशन आपका पूरा होना चाहिए, वो चाहे किसी मोड में हो चाहे वो किसी मोड में हो। तनु जी स्वागत है दोस्त, स्वागत है, स्वागत है, बिल्कुल सबका स्वागत है दोस्तों। एक बार जल्दी जल्दी सब लोग शेयर कर दीजिए ताकि और साथी जो है वो आपके जुड़ सके। बिल्कुल रिया जी स्वागत है दोस्त, स्वागत है, सबका स्वागत है। चलिए हम क्या पढ़ रहे हैं दोस्त, हम पढ़ रहे हैं वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, जहाँ पे देख रहे हैं आपके विभिन्न जीवों के बारे में, जहाँ जान रहे हैं उनके बारे में, क्यों इनका कंजर्वेशन करना जरूरी है। चाहे प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें, चाहे प्रोजेक्ट एलिफेंट की बात करें, चाहे प्रोजेक्ट आपके राइनो की बात करें, प्रोजेक्ट हंगुल की बात करें, प्रोजेक्ट लायन की बात करें, प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड की बात करें, प्रोजेक्ट सी टर्टल की बात करें, प्रोजेक्ट रेड पैंडा की बात करें, प्रोजेक्ट मस्क डियर की बात करें, तो सबकी बात बेटे क्यों क्यों जो है कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लाए जा रहे हैं, क्यों हम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन कर रहे हैं, याद रखिएगा। बिल्कुल सबका स्वागत है दोस्त, सबका 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 स्वागत है। अलका जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो एक बार सब लोग सभी साथी जुड़ जाएंगे फिर जो है हम अपनी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। बिल्कुल मधु जी स्वागत है दोस्त, स्वागत है आपका, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बिल्कुल, तो इसीलिए यानी कि ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते होंगे हमारे कहां, हमारे इकोसिस्टम में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इनका इम्पोर्टेंट जो है वर्क होगा। जाहिर सी बात है, कोई आपकी फ्लैगशिप स्पीसीज होगी, कोई इंडिकेटर स्पीसीज होगी, या फिर कोई कॉस्मेटिक स्पीसीज होगी या अम्ब्रेला स्पीसीज होगी, इसीलिए इनका प्रोटेक्शन करना जरूरी है, चाहे वो वैश्विक स्तर पे हो या फिर आपके राष्ट्रीय स्तर पे हो। ठीक है दोस्तों, चलिए बिल्कुल सनी जी स्वागत है दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलिए तनु जी आ गए, बिल्कुल चलो दोस्त तो शुरू किया जाए। तो अभी तक हमने दोस्तों क्या देखा है, मुझे टाइगर के बारे में देख लिया, जान लिया, सब कुछ जान लिया। ठीक, सब कुछ पता है ना सबको, एक बार थंब बनाइएगा जितने बच्चे हैं। अगर टाइगर से क्वेश्चन आता है, टाइगर से संबंधित कोई चीज आपके न्यूज़पेपर में भी आती है, तो क्या आप उन सब चीजों के बारे में पता कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा। कि अगर प्रोजेक्ट टाइगर की बात आए आपके सामने, ये न्यूज़पेपर में भी आए, तो आपके दिमाग की सारी नसें खुल जाएंगी, यानी 360 डिग्री अप्रेजल आपको क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा, या आपके सामने 360 डिग्री व्यूज होंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर से संबंधित सारी चीजें या बाघ से संबंधित सारी चीजें आपके सामने होंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी 2 दिन की क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं दोस्त, आप जाके फिर से क्लास कर सकते हैं। ठीक, चलिए बिल्कुल, तो इससे आपको कोई शिकायत नहीं होने वाली है। और साथ ही साथ जम्बूज के बारे में भी बहुत सारी आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी देखी जाए तो प्रजातियां हैं, प्रजातियां 5 ही लगभग हैं, तो यानी कि बात करें आपके इंडियन की, इंडियन है, आपके श्रीलंकन है, सुमात्रन है, साथ ही साथ अफ्रीका में 2 तरह की है, एक तो बुश यानी सवाना और दूसरी फॉरेस्ट, सबको पता है ये सारा, सबको पता है। ठीक है दोस्त, सबको पता है ये सब। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, तानिया जी स्वागत है दोस्त। फिर क्रोकोडाइल के बारे में, क्रोकोडाइल के बारे में भी हमने जानकारी की कि भैया 3 प्रजातियां हमारे यहाँ पाई जाती है, और कौन कौन से ऐसे जो महाद्वीप है जहाँ पे ये क्रोकोडाइल्स नहीं पाए जाते, या वहां पे अगर पाए जाते हैं तो जूस में चिड़ियाघरों में पाए जाते हैं, लेकिन वहां की कोई स्थानीय प्रजाति या उनके महाद्वीप की कोई प्रजाति क्रोकोडाइल नहीं है। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया दोस्त योगेश जी, बिल्कुल स्वागत है दोस्त, बिल्कुल स्वागत है। और साथ ही साथ दोस्तों याद रखिएगा, हमने क्या देखा, हमने देखा अपने राइनोस के बारे में, राइनोस के बारे में प्रोजेक्ट राइनोस क्यों लाए गए, क्यों जरूरी है इनका कंजर्वेशन, IRV 2020 यानी इंडियन राइनो विजन 2020 कब लाया गया, या प्रोजेक्ट राइनो कब लाया गया, 2005 किस लिए लाया गया, कि हमें जो है 7 संरक्षित क्षेत्रों में, भारत के 7 संरक्षित क्षेत्रों में इनकी संख्या कितनी पहुंचानी थी दोस्त, इनकी संख्या पहुंचानी थी हमें 3000 के पार। बिल्कुल खुशबू जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है,
3000 के पार जो है ये संख्या पहुंचानी थी, 3000 के पार, ठीक। और साथ ही साथ देखा जाए तो इनका शिकार किस लिए होता था दोस्त, आपने देखा नामीबिया में देखा, क्यूगर नेशनल पार्क में देखा कि भाई कितने ज्यादा, चाहे वो आपके व्हाइट राइनोज हो चाहे ब्लैक राइनोज हो, इनकी आबादी कितनी ज्यादा कम हुई थी। आप अच्छी तरह जानते हो शिकार इनका सिर्फ सिंहों के लिए होता है, सिंहों के लिए इनका सिर्फ शिकार होता है। और ग्रेट इंडियन राइनोज की या ग्रेट वन हॉर्न राइनोज की बात करें तो ये दुनिया में सबसे बड़े हैं, आकार में वजन में सबसे बड़े होते हैं। हालांकि ये दो सिंह वाला राइनो है, ये अपना नहीं है, ये अपना बिल्कुल नहीं है। वन हॉर्न राइनो जो है वो क्या है दोस्त, दुनिया में सबसे बड़ी प्रजाति है, किसकी, राइनोज की। और याद रखिएगा 50 किलोमीटर की रफ्तार से भाग सकते हैं, यानी आप भी पीछे छूट सकते हैं उनसे, आप भी पीछे छूट सकते हैं। बिल्कुल जीव जी स्वागत है दोस्त, बिल्कुल बघेल जी स्वागत है, स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्या है दोस्त, ये है आपके प्रोजेक्ट राइनो के बारे में, बहुत कुछ जाना सुना, इनको भी देखा हमने, ठीक है। और साथ ही साथ बात करें दोस्तों किसकी, प्रोजेक्ट हंगुल की, कब लाए गए, 1970s के दौर में लाए गए। क्यों, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, इनकी संख्या बहुत कम हो गई थी, 150 के आसपास बचे थे, अब 183 के आसपास इनकी जनसंख्या हुई है, दोबारा बीच में बढ़ी थी लेकिन फिर अभी कम देखी गई है। और याद रखिएगा ये आपके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अनुसूची 1 में क्या है, दर्ज किए गए हैं। और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर के वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1978 की अनुसूची 1 में भी ये दर्ज किए गए हैं। अगर 1978 पूछता है तो भी वो गलत नहीं है दोस्त, यहाँ पे है आपका क्रक्स, यहीं पे आपका यूपीएससी आपसे पूछेगा सवाल, ठीक है दोस्त, सवाल पूछेगा बिल्कुल, ठीक है दोस्तों। तो चलिए एक बार जल्दी से जल्दी सभी लोग शेयर कर दीजिए सेशन को बेटे, उसके बाद जो है हम शुरू करते हैं कुछ अलग चीजें, आज स्नो लेपर्ड है, हालांकि देखते हैं इस स्नो लेपर्ड तक पहुंच पाएंगे कि नहीं, लेकिन कोशिश किया जाएगा कि स्नो लेपर्ड तक पहुंचा जा सके, ठीक है दोस्त, बिल्कुल 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 ठीक। अब इसकी तीन प्रजातियां थी, एक तो बकरी की प्रजाति थी और दूसरी थी क्या आपकी, दूसरी चीरू थी, याद है किसी को चीरू, जिसको साइट्स ने क्या किया था, साइट्स ने पहले ही बैन कर रखा चीरू को, इनको मारने के लिए या फिर इनके व्यापार के लिए। तो साइट्स ने क्या किया, साइट्स ने इंस्पेक्शन में पाया कि जो आपकी पश्मीना साल है, पश्मीना साल में आपके चीरू की क्या है, चीरू की भी बाल प्रयोग किए जाते हैं। और चीरू के बाल बेटे आपकी जो पश्मीना बकरियां होती हैं, पश्मीना शॉल, इसको GI टैग मिला हुआ है। तो याद रखिएगा पश्मीना शॉल में अगर चीरू या चीरू के बाल की अगर शॉल बनती है तो दोस्तों वो आपके पश्मीना शॉल से भी क्या है, उत्कृष्ट या उत्तम कोटि की होती है, यानी कि भाई पतली सी शॉल आपको अच्छे से गर्म रख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल संगीता जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल सोनू जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए तो ये क्या है दोस्त, ये रहे आपके चीरू, या सॉरी ये चीरू नहीं, ये है, ये आपका रेड स्टैग है या हंगुल है, ये रेड स्टैग है या हंगुल है, ये लाल हिरण भी बोला जाता है इसको, लाल हारिण या हिरण, लाल हारिण या हिरण भी बोला जाता है, बिल्कुल। तो याद रखिएगा इसको, तो इसकी तीन प्रजातियां, एक बकरी की है, एक चीरू है, ठीक है। और साइट्स ने क्या कर रखा, ये बैन कर रहे, हालिया की हाल ही का ये खबर है, हाल ही की ये न्यूज है दिसंबर की, ठीक है बिल्कुल। चलिए हाँ हाँ बिल्कुल, स्टैग स्टैग मीन्स बारह सिंघा होता है दोस्त, हिंदी उसका बारह सिंघा ही होता है, बिल्कुल ठीक है दोस्त। चलिए आगे चला जाए, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं दोस्त, आज पढ़ने वाले हैं हम क्या, आज पढ़ने वाले हैं प्रोजेक्ट सी टर्टल, प्रोजेक्ट सी टर्टल के बारे में देखेंगे भैया, प्रोजेक्ट सी टर्टल क्यों लाया गया और कैसे लाया गया और किस लिए लाया गया। याद रखिएगा ये आपकी क्या है, ये आपका प्रोजेक्ट टर्टल है, बिल्कुल 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 ठीक दोस्त। तो अभी तक जो जो आपने पढ़ा, चाहे प्रोजेक्ट टाइगर पढ़ा या फिर आपने प्रोजेक्ट एलिफेंट पढ़ा, प्रोजेक्ट आपने डायनोसॉरस पढ़ा, प्रोजेक्ट हंगुल पढ़ा, तो कोई इसमें प्रॉब्लम आ रही है आपको, और आई थिंक जहां तक मैं जानता हूं कि आपको इसमें सारी चीजें करवा दी गई हैं, एक भी चीज छूटी नहीं है, और मेरे हिसाब से आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, चाहे कोई भी आपका पेपर हो या कोई भी आपका एग्जाम हो, कोई भी आपका इसमें एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, ठीक दोस्त बिल्कुल। तो बताइए आप लोग, अगर आप लोगों ने देखा है वीडियोस या फिर आपने इसकी पढ़ाई की है पूरी की पूरी, तो क्या आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है इसमें, बिल्कुल नो प्रॉब्लम। थैंक यू अभिता जी, थैंक यू दोस्त, बिल्कुल प्रोजेक्ट सी टर्टल, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल सी टर्टल पढ़ेंगे दोस्त, थैंक यू तनु, बिल्कुल बिल्कुल
बिल्कुल रिया जी, बिल्कुल दोस्त, बहुत बढ़िया। तो ये क्या है, ये आपके लिए, समझिए कि ये सबके लिए, ये सारे के सारे जो आपके आयोग हैं उनके लिए भी चीजें होती हैं कि आपको तीन चार प्रोजेक्ट दे देंगे, उनके सामने जो है सूची मिलाने के लिए प्रश्न बना देते हैं, सूचियों के मिलान के लिए प्रश्न बनाते हैं कि सूची एक का सूची दो से मिलान कीजिए और निम्नलिखित में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो वो चार बना देंगे विकल्प, प्रोजेक्ट जो है आपका टाइगर 1973 में चला, या मतलब चार सन दे देंगे, चार वर्ष दे देंगे, उसके बाद चार तरह की परियोजनाएं। अब आपको मिलाना होगा कि किससे कब क्या स्टार्ट हुआ। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, तो ये क्या रहा बेटा, ये रहा आपका प्रोजेक्ट सी टर्टल। शुरू कर रहे हैं आज हम प्रोजेक्ट सी टर्टल। सी टर्टल भाई, आपने कछुए तो देखे होंगे ना, कछुए तो देखे ही होंगे, कि कितने लोगों ने कछुआ देखा है, कितने लोगों ने नहीं देखा है, ये बताइए पहले। ठीक, पहले तो ये बता दीजिए आप लोग, क्योंकि बहुत सारे कछुए ऐसे हैं जिनको आपने देखा भी नहीं होगा, या बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने जीवन में कछुआ देखा ही नहीं होगा, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। देखा है? अच्छा, बिल्कुल तनु जी, क्या बात है। तानिया जी भी कह रही है हमने भी देखा है, बिल्कुल बिल्कुल। खुशबू जी कह रही है सबने देखा है, क्या बात है, क्या बात है। जीव जी भी कह रहे हैं बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, मतलब सबने देखा है कछुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, कहाँ देखा, कुएं में देखा होगा, या फिर अपने यहाँ पे जो पतली पतली नहरे नहरे होती हैं वहां देखा होगा, या नदियों में देखा होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल, या तालाबों में देखा होगा। ठीक, चलिए, तो बेटे प्रोजेक्ट सी टर्टल हम स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो ये क्यों जरूरी है हमारे लिए सी टर्टल्स, आप देखते होंगे हमेशा आपके यहाँ न्यूज़पेपर में चर्चा में बने रहते हैं, क्या आपके ओलिव रिडले कछुए हमेशा चर्चा में बने रहते हैं। क्यों चर्चा में बने रहते हैं, क्योंकि इनकी नेस्टिंग हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होती है, और ये नेस्टिंग यानी घोंसला बनाने वाले, या देखा जाए तो दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाले क्या है, ये कछुए हैं। और हमारे यहाँ ही, केवल हमारे यहाँ ही क्या करते हैं, खास करके बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ये नेस्टिंग करते हैं, खास करके बड़ी मात्रा में ये नेस्टिंग करते हैं। और ऐसे ऐसी कटिंग्स आपको न्यूज़पेपर्स में हमेशा मिलती होगी। ठीक है, ऐसी ऐसी कटिंग्स जो है रिटर्न टू नेचुरल हैबिटेट, ये क्या है दोस्त, ये आपके देखा जाए तो ओलिव रिडले कछुए हैं, ओलिव रिडले कछुए हैं, ये हमेशा हर साल आते हैं, कहाँ, हमेशा हर साल आते हैं आपके उड़ीसा के गंजाम जिले के सागर गहिरमाथा तट पर। वहां क्या करते हैं, वहां ये अपने घोंसले बनाते हैं, केवल उड़ीसा ही नहीं दोस्त, केवल उड़ीसा ही नहीं, याद रखिएगा, जब भी कभी पूछा जाएगा आपसे, जब भी कभी पूछा जाए ओलिव रिडले कछुए के बारे में, या फिर बताया जाए कि भैया केवल उड़ीसा में ही क्या आपके देखा जाए तो ये घोंसले बनाते हैं, तो बिल्कुल नहीं जी, बिल्कुल नहीं, केवल उड़ीसा में ही नहीं बनाएंगे ये, आपके देखा जाए तो जो सागरी तट है आपका, गोवा में भी बनाएंगे, केरला में भी बनाएंगे, उड़ीसा में सर्वाधिक है, सर्वाधिक उड़ीसा में बनाते हैं, लेकिन और भी जगह ये क्या करते हैं, और भी जगह ये आपके घोंसले बनाते रहते हैं, और भी जगह घोंसले बनाते रहते हैं। तो ऐसा आपने देखा होगा, आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा बहुत सारी चीजें कि ये आपके रिटर्न टू नेचुरल हैबिटेट ओलिव रिडले कछुए की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ काफी सारी चीजों में बार बार आप ऐसी कटिंग देखते रहिए। तो याद रखिएगा, ये आपका यूपीएससी का हार्डकोर होने वाला है, ठीक, हार्डकोर होने वाला है, तो जाहिर सी बात है आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा। ठीक, ओलिव रिडले कछुए के लिए बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारी चीजें हो रही हैं, तो ये सब चीजें हम किसके लिए कर रहे हैं, अपने कछुए के लिए कर रहे हैं, या कछुओं के संरक्षण के लिए कर रहे हैं, तो याद रखिएगा दोस्त। बिल्कुल सर, ऐसा नहीं देखा है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, आज हम दिखाएंगे आपको, बिल्कुल मैक्सिमम उड़ीसा स्टेट, बिल्कुल 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 ठीक दोस्त, याद रखिएगा, सी टर्टल जो कंजर्वेशन की बात करें, बिल्कुल अद्भुत और सुंदर जीव होते हैं, बिल्कुल दोस्त, अद्भुत और सुंदर सुंदर जीव होते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये परेशान नहीं करते, बिल्कुल दोस्त, ये काटते भी हैं, ये काटते भी हैं, कृपया इनसे दूरी बनाए रखें, कृपया इनसे दूरी बनाए रखें, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कितने बड़े हो सकते हैं, कितने बड़े हो सकते हैं, यानी कि ये आपके 3 मीटर तक बड़े हो सकते हैं, और साथ ही साथ दोस्तों ये 750 किलोग्राम तक के हो सकते हैं, याद रखिएगा, 3 मीटर तक लंबे, यानी लगभग 9 साढ़े 9 फीट के आसपास, और साथ ही साथ ये 750 ग्राम बड़े भी हो सकते हैं, भारी 750 ग्राम इनका वजन भी हो सकता है। ठीक है, बिल्कुल, सबसे लंबा जीवन काल तो होता ही है दोस्त, सबसे लंबा जीवन काल तो होता ही है, यानी कि देखा जाए तो अभी भी ये किस लिए दोस्त, कुछ हैं कछुए ऐसे जो संख्या में ज्यादा हैं, लेकिन 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 संख्या के अलावा ये क्या हो रहे,
वर्तमान में ये शिकार हो रहे ऐसी गतिविधियों का जिनके कारण इनका आवास, जिनके कारण इनका देखा जाए जीवन काल या फिर इनका खुद का स्वयं का जीवन संकट में है। इसीलिए जो कछुए हैं उनके लिए संरक्षण की बात की जा रही है। बिल्कुल प्रीति जी स्वागत है दोस्त, बिल्कुल स्वागत है दोस्त। इनके खाने से मर जाते हैं क्या? नहीं नहीं दोस्त, इनके काटने से कोई नहीं मरता है दोस्त, बिल्कुल जहरीले नहीं होते। नहीं सब नहीं काटते भैया, सब नहीं काटते, याद रखिएगा, सब नहीं काटते, सारे कछुए नहीं काटते। बिल्कुल कृष्णा जी जय हिंद दोस्त। जहर होता है क्या इनमें? नहीं किसने बता दिया जहर होता है यार? कहां से ऐसी खबरें सुन के आते हो आप लोग? ऐसी खबरें कहां सुन लेते हो? नहीं दोस्त बिल्कुल जहर नहीं होता, याद रखिएगा, बिल्कुल जहर नहीं होता। यानी कि याद रखिएगा, विशेषकर कुछ मानवीय गतिविधियों के चलते, प्रदूषण के चलते, या हिप्पो, यार सीधी सी बात, कंजर्वेशन पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं क्या बायोडाइवर्सिटी, तो हिप्पो इसका क्या होगा, मेन रीजन होगा कि हिप्पो के चलते ये भी क्या हो रहे हैं, ये भी शिकार हो रहे हैं। क्या इनका जीवन भी शिकार हो रहा है किसके, या देखा जाए तो इनका शिकार किया जा रहा है किसके लिए, इनके पीछे जो बैक्स कवर होते हैं या इनकी जो खोल होती है या कवच होता है इनका, इसके लिए दवाइयों के लिए इनका शिकार होता है। मछली पकड़ते हैं हम तो भी क्या होता है, इनका एक तरह से आवास नष्ट होता है, यानी हैबिटेट जो है, क्या कहें, हैबिटेट डिस्ट्रक्शन होता है। इनवेसिव स्पीसीज यानी कोई अलग प्रजाति आ जाए या फिर अलग प्रजातियों के कारण ये क्या है, इनमें भी चीजें होती है कि ये शिफ्ट कर जाए वहां से या वहां से पलायन कर जाए। ठीक, पॉल्यूशन बहुत बड़ा रीजन है जिसके चलते ये क्या हो रहे हैं, इनकी संख्या में कमी आ रही है, संख्या इनकी कम हो रही। पोचिंग शिकार इनके मांस के लिए, दवाइयों के लिए, या इनके कवच या खोल के लिए इनका शिकार किया जा रहा। ठीक, ओवर पॉपुलेशन, जाहिर सी बात है हम ओवर पॉपुलेटेड हो रहे हैं तो हमारा क्या हो रहा है, गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जाहिर सी बात है। समुद्र के तटों पर जो पर्यटन क्षेत्र है वो भी बढ़ाया जा रहा है, तो इनका नेस्टिंग हो गया, इनका देखा जाए तो आवास वो प्रभावित हो रहा है, बिल्कुल। ठीक है, चलिए इनकी प्रजातियां कितनी प्रकार की होती हैं, बिल्कुल सारी बताएंगे बेटे, सारी बताएंगे, बहुत बढ़िया, बिल्कुल बेटे। ये खुशबू, ये क्या होता है दोस्त, ये आपके देखा जाए तो इनका अवैध व्यापार होता है, अवैध व्यापार होता है। हर महीने या देखा जाए तो महीने में एक दो बार आप रूबरू होते होंगे कि बोरे में भरे कछुए से पकड़े गए तस्कर, इस तरह से खबरें छपती है आपकी, इस तरह खबरें छपती है, तो खबरें छपती है अच्छी बात है, पकड़े जाते हैं बहुत अच्छी बात है। ये हमारा प्रशासन या हमारा तंत्र जो है वो क्या है दोस्त, हमारा तंत्र वो बहुत सक्रिय है इस मामले में। लेकिन 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 याद रखिएगा, वो कौन सा कछुआ पकड़ा गया वो नाम आपके लिए दोस्त मायने रखेगा, ये वो नाम मायने रखेगा, और उसी से क्या बनेगा, उसी से बनेगा प्रश्न आपका, उसी से प्रश्न बनेगा, बिल्कुल उसी से प्रश्न बनेगा। ठीक है, तो ये देखिए, ये एक जाइंट कछुआ है और एक महिला है, वो क्या कर रही है, वो फोटो लेने का प्रयास कर रही है इसका। ये बहुत बड़ा कछुआ है, देख लीजिए, ये बहुत बड़ा कछुआ है जो क्या है दोस्त, देखा जाए तो ये कम से कम नहीं तो 250 से 300 किलोग्राम का या 400 किलोग्राम का तो होगा ही। ठीक है, ये बेटे ये लेदर बैग टर्टल होते हैं आपके, ठीक है, ग्रीन टर्टल्स, लेदर बैग टर्टल्स, ये क्या होते हैं दोस्त, सर इसे ब्लॉक करो, क्या हो गया सर, कौन है, क्या हो गया दोस्त, पढ़ो चुपचाप भाई, आप लोग पढ़िए यार, आप लोग पढ़ो बेटे, बिल्कुल ये कछुआ, ये दोस्त ये कछुआ ही आपका, ये कछुआ ही है, ये कछुआ ही है। और याद रखिएगा कि ये आकार में बड़े और छोटे भी हो सकते हैं, कछुए आपके आकार में बड़े और छोटे भी हो सकते हैं। और याद रखिएगा, ये देखा जाए तो समुद्र के अंदर लंबे समय तक श्वास रोक सकने वाले और हवा में सांस लेने वाले सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स हैं ये, याद रखिएगा, रेप्टाइल्स हैं ये, रेप्टाइल्स हैं, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, ये क्या है, ये रेप्टाइल्स हैं दोस्त, ये रेप्टाइल्स हैं। और क्या कह रहे हैं, जो पूरी दुनिया में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में रहते हैं, ये मैटर करता है दोस्त, ये मैटर करता है, क्या कि ये कहां रहते हैं, आपके उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में। ठीक है, ये लिख लीजिएगा अपने नोट्स पे, कॉर्नर पे हिटिंग पॉइंट करके, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों में पाए जाते हैं। ठीक, पाए जाते हैं। और आगे दोस्तों, इनके कवच का ऊपरी भाग यानी कि जो ऊपरी भाग है वो कारापेस और निचला भाग प्लास्ट्रोन से बने होते हैं, ऊपरी भाग और निचला भाग मेन, इसके लिए शिकार किया जाता है इनका, इसके लिए शिकार किया जाता है। इसका क्या बनाया जाता है दोस्त,
अधिकतर लोग देखेंगे तो बड़े बड़े जो रिहायशी मकान हैं या बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए ऐश ट्रे बनाया जाता है। ऐश ट्रे के अलावा भी काफी चीजें जैसे कंघी हो गई वो बनती है, या फिर हार या गले के आभूषण बनाए जाते हैं इनके, किसके, इनके कवच से, या ऊपरी इनका जो ऊपरी खोल है उससे, इनका जो ऊपरी खोल है उससे बेटे क्या होते हैं इनके गहने बनते हैं, या फिर इनके लिए कंघियां या ऐश ट्रे के रूप में कार्य करते हैं ये लोग। ठीक है, ऐश ट्रे के रूप में इनका देखा जाए तो बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सुषमा जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है, बिल्कुल संध्या जी। और दोस्तों याद रखिएगा कि ये हार्ड स्केल, ठीक है, हार्ड स्केल या स्कूट लेदर बैग को छोड़कर सभी को कवर करते हैं। ठीक भाई, जाहिर सी बात है ये किसके लिए बने हैं, ये आपकी इनकी सुरक्षा के लिए ये बने हुए हैं, इनकी सुरक्षा के लिए, बिल्कुल खराब नहीं होता, नहीं बेटे बिल्कुल खराब नहीं होता। आप खुद सोचो ये 300 से 400 साल तक जीवित रहते हैं तो कितना मजबूत होगा होता होगा इनका क्या, इनका शेल या इनका इनका कवच। बिल्कुल स्वाति जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है आपका, बिल्कुल। और साथ ही साथ ठीक, प्रत्येक कछुए, प्रत्येक समुद्री कछुए की प्रजाति का ऊपरी खोल या कार्पेस लंबाई रंग आकार पैमाने की व्यवस्था में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि ये क्या है दोस्त, एक तरह से इनके जो सेल्स होते हैं या कवच होता है जो, ये एक तरह से जैसे हमारा थंब का फिंगरप्रिंट होता है ना वैसे काम करता है। यानी कि ये क्या होगा दोस्त, किसी भी कछुए का समान नहीं होगा, किसी भी कछुए के सेल्स के ऊपर बने डिजाइन पैटर्न्स ये क्या होंगे दोस्त, ये एक समान नहीं होंगे, याद रखिएगा एक समान नहीं होंगे। ठीक, एक समान नहीं होंगे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास एक बजे से स्टार्ट थी डियर, क्लास एक बजे से स्टार्ट थी, बिल्कुल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, चलो हाँ बिल्कुल पूरी बॉडी को अंदर कर लेते हैं बेटे। और साथ ही साथ देखा जाए प्रजातियां कौन कौन सी है दोस्त, प्रजातियां कौन कौन सी है, यानी ये क्या है, ये पैटर्न लंबाई रंग आकार और पैटर्न की व्यवस्था में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये क्या है, ये इनकी पहचान है, ये इनका क्या है, फिंगरप्रिंट है, याद रखिएगा ये इनका फिंगरप्रिंट है। ठीक, बिल्कुल रोहित जी स्वागत है दोस्त, बिल्कुल साक्षी जी स्वागत है दोस्त, स्वागत है। जो आपके ग्रीन कछुए की बात करें, हरा समुद्री कछुआ एक प्रजाति ये है, यानी ग्रीन सी टर्टल, साथ ही आपकी बात करें हॉक्सबिल समुद्री कछुआ, लॉगर हेड समुद्री कछुआ, ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, केम्स रिडले समुद्री कछुआ, लेदर बैग समुद्री कछुआ और फ्लैट बैग समुद्री कछुआ, यानी सात समुद्री प्रजातियां पाई जाती हैं। किसकी, कछुओं की, कछुओं की कितनी बेटे, सात समुद्री प्रजातियां, सात समुद्री प्रजातियां दोस्त किसकी, कछुए की पाई जाती हैं, याद रखिएगा सात समुद्री प्रजातियां, हरा समुद्री कछुआ, हॉक्सबिल समुद्री कछुआ, लॉगर हेड समुद्री कछुआ, ओलिव रिडले समुद्री कछुआ, कैम्प रिडले समुद्री कछुआ, लेदर बैग समुद्री कछुआ और फ्लैट बैग समुद्री कछुआ, ये सात प्रजातियां हैं। बिल्कुल बिल्कुल बेटे सात प्रजातियां, लास्ट लाइन कभी नहीं दिखती, बड़ी शिकायत है यार तनु, चलो कोई बात नहीं बेटे, अब मैं तो यार बनाता हूं ऐसे आ जाता है, मैं क्या करूं भाई, चलो कोई बात नहीं, अब पीडीएफ मिलती है उसमें आप देख लिया करो, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, ये सात समुद्री प्रजातियां हैं जो आपकी पाई जाती है, कहां, उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों या सागरों में, याद रखिएगा उष्णकटिबंधीय या उपोष्णकटिबंधीय समुद्रों या सागरों में ये सात प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक दोस्त, बिल्कुल 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 रोहित जी, ये क्लास रोज चलती है बेटे, ये क्लास रोज चलती है दोस्त, ये क्लास क्या बात कर रहे हो, पीडीएफ नहीं मिलती है, कैसे नहीं मिलती है दोस्त, पीडीएफ कैसे नहीं मिलती है, आप जाके वहां पे एप्लीकेशन पे जाइए, एप्लीकेशन पे आप एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे तो पहले ही फ्रंट पे ही यूट्यूब क्लासेस पीडीएफ आता है, उसका बेल आइकन दबाइए, वहां पे जो है आपको क्लासेस और पीडीएफ दोनों मिलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटे, फिर से देख लेना कल, जब सभी समय लगे फिर से आप देख के आप फिर से जो है आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम पे नहीं दोस्त, टेलीग्राम पे नहीं, टेलीग्राम पे नहीं, आप कहाँ जाएंगे, आप जाएंगे एग्जामपुर, यानी गूगल, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाइए, वहां पे एग्जामपुर के इसका क्या डाउनलोड करेंगे, ऑफिशियल ऐप जो है, ठीक है ऑफिशियल जो ऐप है वो डाउनलोड करेंगे तभी आपको क्या मिलेगा, डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने खुलेगा ऐप, और इधर से दूसरा बटन बेटे, दूसरा बटन यानी कि दूसरा जो यहाँ पे पॉइंट आएगा वही आपकी YouTube की क्लास होती है। ठीक है, YouTube की क्लास है, और साथ ही साथ किसकी दोस्त,
वहां पे पीडीएफ भी मिलेंगी आपकी। ठीक, चलिए ये सात प्रजातियां हो गई आपकी, सात प्रजातियां हो गई दोस्त। आगे चलिए, आगे देख रहे हैं टर्टल स्पीसीज इन इंडिया, भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं। ये खास खास करके बेटे, ये खास खास करके है, यानी कि और प्रजातियां हैं लेकिन ये चर्चा में रहती हैं, इनको जानना आपके लिए जरूरी है, इसलिए ये खास खास करके हैं। ठीक है दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा, बिल्कुल कंटिन्यू रहेगा दोस्त, कंटिन्यू रहेगा। राजकुमार जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। बिल्कुल सॉरी सर, क्लास मिस हो गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं अभिता जी, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, मुझे भी नहीं पता था दोस्त, मुझे भी नहीं पता था, मुझे भी नहीं पता था। शायद देखो थोड़ा सा टाइम टेबल शायद मे बी चेंज होगा, आई डोंट नो। लेकिन एक बार पहले आप लोग दोस्तों क्या करेंगे, आप लोग पहले सेशन को बेटे शेयर कर दीजिए, सेशन को शेयर कर दीजिए, और ताकि आपके जो और साथी हैं, दोस्त हैं, वो भी क्या उसके जुड़ सके, इससे वो भी जुड़ सके। बिल्कुल बिल्कुल हिंदी में, हिंदी में दोस्त, बिल्कुल हिंदी में। ठीक है, ओके ओके, थैंक यू, थैंक यू सबका, थैंक यू दोस्त। पीडीएफ से क्यों नहीं, पीडीएफ से बेटे देखिए सबसे बड़ी बात बता दो बेटे, ये सच है, इसमें आपको शर्माने की या फिर खुद गिल्टी फील होने की कोई जरूरत नहीं। पीडीएफ से बेटे कोई नहीं पढ़ता है, सिर्फ 10 बच्चे होंगे 100 में से जो पीडीएफ का यूज करते हैं, गारंटी के साथ कर रहा हूं बेटे, मैंने देखा है, उस फेज से मैं गुजरा हूं जिससे आप गुजर रहे हो या गुजरने की कोशिश कर रहे हो, मैं उस फेज से गुजरा हूं बेटे। रोज 3 से 4 पीडीएफ मिलती थी क्लास में, अब विश्वास मानो एक भी पीडीएफ कभी पूरी नहीं होती थी, एक भी पीडीएफ, क्लास के बाद क्लास, क्लास के बाद क्लास, रूम पे जाके रिवीजन करना, सबका इंडेक्सिंग करना, नोट्स बनाना कि भाई क्या क्या पढ़ाया गया, क्या क्या नहीं पढ़ाया गया, पीडीएफ देखने का समय नहीं मिलता था, सच बता रहे। तो इसलिए आप लोग जितना हो सके वीडियो से देख के नोट किया करिए, और पीडीएफ बेटे जाती है, पीडीएफ जाती है बिल्कुल। हाँ कोई बात नहीं, वो ठीक है, वो ठीक है, वो ठीक है कृष्णा जी, समझना होता है पीडीएफ से, जहां से छूटता है वहां पे हो सकता है कुछ हो अलग, तो होता है बेटे। लेकिन ये अधिकतर है कि बच्चे पीडीएफ नहीं पढ़ते हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, आपकी पीडीएफ जा रही है, बराबर जा रही है बिल्कुल। हाँ हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रोहित जी सब हिंदी माध्यम से हैं बच्चे, यहाँ पे सारे हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। ठीक है, तो हमारे पास जो आपकी टर्टल स्पीसीज इन इंडिया है, तो आपको देखिएगा, ये याद रखिएगा, मैंने पहले कहा था आपको इंग्लिश से दोस्ती करनी पड़ेगी, और ये क्या लिखा है, ये आपके इंग्लिश में ही लिखा है, ठीक है, इंग्लिश में ही लिखा है, लेकिन हिंदी में इसका कुछ अलग से नहीं आएगा बेटे। ये अगर लेदर बैग टर्टल लिखा है तो लेदर बैग टर्टल हिंदी में ही लिखा आएगा, ठीक है, ठीक है, ये लेदर बैग है ना, तो लेदर बैग आपको हिंदी में ही लिखा आएगा, तो इससे बढ़िया है क्या, इससे बढ़िया है आप जो है क्या करिए, लेदर बैग, ठीक है, ये ऐसे आएगा टर्टल, ये ऐसे आएगा, ऐसे हिंदी में लिखा आएगा आपको। ठीक, दोस्ती करनी पड़ेगी दोस्त, देखो जब आप सेमेस्टर एग्जाम दोगे वहां पे लवासना में दोगे या किसी आयोग में दोगे, तो वहां पे अधिकतर कोर्सेज जो है आपको इंग्लिश में ही मिलेंगी, हिंदी में नहीं मिलने वाली दोस्त, याद रखिएगा, हिंदी होगी तो भी जो है आपको कंपलसरी की जाएगी कि हाँ भैया आप इसमें पास हो जाइए, इंग्लिश में कोर्सेज मिलेंगे आपको, वहां पे भी आपको सेमेस्टर कोर्स करने पड़ेंगे। यहाँ तो आप अभी मेहनत करके जा रहे हो, आप पीटी पार कर रहे हो, मेंस पार कर रहे हो, इंटरव्यू क्वालिफाई कर ले रहे हो, ठीक है, बहुत अच्छी बात, बधाई आपको, उसके बाद क्या, वहां पे जो सेमेस्टर कोर्सेज होंगे वो तो इंग्लिश में होंगे, तो दोस्त ना इसीलिए कहते हैं कि आप लोग क्या करिए, इंग्लिश को दोस्त बनाइए, इंग्लिश को दोस्त बनाइए, बिल्कुल बहुत बढ़िया, बिल्कुल थैंक यू दोस्त। चलिए तो हमारे पास क्या क्या है बेटे, जो देखें टर्टल स्पीसीज इन इंडिया की बात करें, अगर भारत में जो खास खास महत्वपूर्ण जो स्पीसीज है या महत्वपूर्ण कछुए की प्रजाति है तो कौन कौन सी है दोस्त, पहला है लेदर बैक टर्टल, लेदर बैक टर्टल याद रखिएगा, लेदर बैक टर्टल, और दूसरा क्या है दोस्त, दूसरा है हॉक्स बिल टर्टल, और तीसरा लॉगर हेड टर्टल है, और चौथा है आपका ग्रीन टर्टल, पांचवा है ओलिव रिडले टर्टल। ये 5 प्रजातियां हैं जो बहुत चर्चा में रहती हैं, जो आपके लिए एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है दोस्त, ठीक, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, तो याद रखिएगा ये सब चीजें आपको क्या करनी है, हमेशा याद रखनी है आपको बेटे, हमेशा सर्वांगीण विकास करना है, किसके लिए, यूपीएससी के लिए, यूपीएससी क्या है दोस्त, सर्वांगीण विकास करने का ही माध्यम है ना, आपका संपूर्ण विकास होगा तभी तो आप एक आईएएस बनते हो, आईएएस बनने के लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए, यानी बहुत सारी क्वालिटियों का भंडार होना चाहिए तभी तो, वरना हर आम आदमी कोई आईएएस क्यों नहीं है,
आईएस क्यों अलग है दूसरे से? जाहिर सी बात है, ठीक, बहुत बढ़िया। तो आप लोग तैयार हो बदलाव के लिए कि नहीं, पहले ये बता दो, तैयार हो बदलाव के लिए कि नहीं? तैयार हो दोस्त तो जो है आप समझिए कि अगर बदलाव करने के लिए तैयार हो तो समझिए आप सही रास्ते पे हो। फ्लेक्सिबल जो है यहाँ पे बनिए, आप फ्लेक्सिबल बनिए, रिजिड मत होइएगा दोस्त कि नहीं इंग्लिश तो हम कत्ता ही नहीं करेंगे। नहीं दोस्त, रिजिड मत बनिएगा, बिल्कुल। क्या बात है तनु जी, दानिया जी, बिल्कुल, जीव जी बहुत बढ़िया, अविनाश जी, विवेक जी, रिया जी बहुत बढ़िया, दोस्तों गोपल जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। संगीता जी, कृष्णा, बिल्कुल सबाश जी, बहुत बढ़िया दोस्त। ये क्या है दोस्तों, ये चीजें दर्शाती है आपके लिए, इंसान एक अभिनेता है अपने फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने आशुतोष राणा जी, कभी उनको सुना करिए, अच्छा बोलते हैं, स्पीकर अच्छे हैं, मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं। उन्होंने कहा कि बोलना तो हम बहुत पहले सीख लेते हैं, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये है जीवन भर सीखते रहते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया दोस्त हमारे जीवन भर चलती रहती है, चाहे पढ़ाई की बात हो, चाहे बोलने की बात हो, चाहे व्यक्तित्व विकास की बात हो, ये क्या होती है दोस्तों, जीवन भर चलती रहती है, याद रखिएगा, जीवन भर चलती रहती है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल। कभी उनका मतलब उनकी बातें सुनो, कैसे बोलते हैं वो, उनकी कविताएं सुना करो, कविता का वाचन भी करते हैं, कविताएं सुना करो। और सबसे पहले आप लोग क्या किया करो, सबसे पहले जैसे मतलब कि एक एनर्जी चाहिए आपको, सुबह सुबह कान में ईयरफोन लगाया, 50 सेकंड के लिए, 52 सेकंड के लिए खड़े हो जाओ और अपने मोबाइल में एक बार जनगण मन लगा लिया करो, सुन लिया करो, ठीक है, दिन भर आपको एनर्जी मिलती रहेगी, दिन भर। सोचो कि हाँ जनगण मन अधिनायक जय है, ठीक है, उसमें कहा क्या गया है, उसके भाव को समझो। वाकई जिस दिन ये सब चीजें समझने की कोशिश करने लगोगे दोस्त ना, वाकई मैं कह रहा हूं कि आप अपने स्तर से उठना, ऊपर उठना शुरू हो जाओगे उसी दिन से बेटे, अपने स्तर से ना ऊंचे उठना शुरू हो जाओगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, ठीक। चलो मेडिटेशन, चलो बहुत बढ़िया, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फिर ये है आपकी 5 प्रजातियां जो चर्चा में हमेशा रहती हैं, इनके बारे में देखना है, साथ ही साथ अगर देखेंगे तो और भी चीजें जो आपके सामने आएंगी उनको भी हम देख लिया करेंगे, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों याद रखिएगा, ये इस कछुए को आप लोग सभी ने देखा होगा, इसको तो सभी ने देखा होगा, सभी ने इसको देखा होगा, ठीक है, बिल्कुल सभी ने देखा होगा, ठीक है दोस्त। चलिए, वो जरूरी है बेटे, जब तक देखो यूपीएससी किसी किताब से लड़ाई नहीं है, किसी आपके दोस्त से लड़ाई नहीं है, किताब से लड़ाई नहीं है, आपके दोस्त से लड़ाई नहीं है, यूपीएससी खुद से लड़ाई है, याद रखिएगा, यूपीएससी खुद से लड़ाई है। खुद को रोज क्या करना है, खुद को रोज जगाना है कि आज हमें ये सब चीजें पूरी करनी है, आज जब तक ये सब चीजें पूरी नहीं होंगी तब तक भाई हमारे पास समय नहीं है। यूपीएससी ना कहने के लिए होती है कि भैया ये काम हम नहीं करने जाएंगे, दोस्त कहेंगे कि चलो मार्केट चलते हैं, नहीं, दोस्त कहेंगे कि चलो चाय पीने चलते हैं, नहीं, ना कहना सीखना पड़ेगा आपको। फलाने जगह शादी है, चल साथ शादी में चलते हैं, नहीं, ना कहना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि आपका एक एक मिनट कीमती है, याद रखिएगा, बिल्कुल। हाँ, ओलिव रिडले काफी चर्चा में रहते हैं दोस्त, इस साल बहुत ज्यादा मर गए, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, इस साल बहुत ज्यादा मर गए। ये आपको पढ़ाया गया था किसमें, ये आपको बताया गया था आपके 1.5 जो करंट अफेयर चलती है सैटरडे को, उसमें, ठीक है दोस्त, उसमें पढ़ाया गया है आपको, बिल्कुल। इतना बड़ा बड़ा नहीं है बेटे, ये बड़ा नहीं है, ये बस तालाब का एक फोटो है, ठीक है, इतना बड़ा नहीं है, ये तालाब का एक फोटो है। ब्लैक सॉफ्ट सेल कछुआ एक मीठे पानी की प्रजाति है, यानी देखा जाए तो ये ताजे जल की या ताजे पानी में रहने वाली प्रजाति है, ठीक है, ताजे रहने पानी में रहने वाली जल की प्रजाति है। अच्छा मैं साइड हो जाऊं, ठीक है। और यह दोस्तों देखा जाए तो निचले ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में पाई जाती है, यानी कि ब्रह्मपुत्र तंत्र का जो निचला, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र का जो निचला क्षेत्र है वहां पे पाई जाती है। और ब्लैक सॉफ्ट सेल प्रजाति लगभग भारतीय पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुए यानी निल्सोनिया ह्यूरम के समान दिखती है, यानी कि कभी कभी होता है कि ब्लैक सॉफ्ट सेल और पिकॉक जो देखा जाए पिकॉक सॉफ्ट सेल कछुए में क्या करना पड़ता है, अंतर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि भैया इन दोनों में से है कौन, कि ब्लैक लेदर सॉफ्ट सेल है कि ये पिकॉक लेदर
पिकॉक सॉफ्ट सेल ब्लैक लीदर है ये, ठीक है। और देखा जाए तो ये दोस्त आयुसीएन का जो इनका स्टेटस है, आयुसीएन का जो स्टेटस दोस्त वो क्या है, आयुसीएन का जो स्टेटस है दोस्त याद रखिएगा वो क्रिटिकली इंडेंजर्ड है, क्रिटिकली आपका इंडेंजर्ड है यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। लिख लीजिएगा दोस्त, लिख लीजिएगा इसको, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है, संकटग्रस्त है दोस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है। और साइट्स, साइट्स की तीन परिशिष्ट या तीन अनुसूचियां होती है, या तीन जो है उसकी देखी जाए सूचियां अनुसूचियां होती है, उसके पहले यानी उसके पहले परिशिष्ट में या देखा जाए तो उसके पहले अपेंडिक्स में रखा गया है। और याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, तब 1972 की अनुसूची एक में रखा गया है, ठीक है, याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में रखा गया है। ये हाईली प्रोटेक्टेड है, हाईली प्रोटेक्टेड है दोस्त, हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक है, हाईली प्रोटेक्टेड है दोस्त, हाईली प्रोटेक्टेड है, ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं प्रीति, कोई बात नहीं। मिट्टी के अंदर रहते हैं भाई, मिट्टी के अंदर तो कभी नहीं देखा दोस्त, हमेशा जो है मतलब कि तालाब के किनारे, या इसको अक्सर मैंने अपने कुएं में देखा है, मेरे घर के कुएं में है, खेत में कुआं, वहां पे देखा है इसको, ठीक है। कुएं से बाहर भी कई पुलकला है, और साथ ही साथ देखा जाए तो ये तालाब में यानी गाँव में भी तालाब है, तो वहां तालाब के किनारे अक्सर इनको देखा जाता है, ठीक दोस्त, तालाब के किनारे। अच्छा, ये पक्का आएगा, चलो दोस्त कोई बात नहीं। और याद रखिएगा, पहचान में सटीकता चुनौतीपूर्ण है, लेकिन बांग्लादेश के चटगांव के देखा जाए कि बयाजिद बोधसामी मंदिर के नाम पर रखे गए ब्लैक सॉफ्ट सेल की सटीक आबादी का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि जिसे बोधसामी कछुओं के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि देखा जाए बांग्लादेश का एक मंदिर है, सॉरी मस्जिद है, मंदिर बांग्लादेश का एक मंदिर है, वहां पे भी पाए गए थे ये, और उन्हीं के नाम पे इनका नाम क्या रख दिया गया, इनका नाम रख दिया गया बोस्तामी कछुआ, ठीक है। ये बांग्लादेश में बोस्तामी कछुए के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा बोस्तामी कछुआ, ठीक है, बिल्कुल बोस्तामी कछुआ दोस्त, याद रखिएगा बोस्तामी कछुए के नाम से ये जाने जाते हैं, ठीक है, बोस्तामी, ठीक है, बोस्तामी कछुआ, कहां, बांग्लादेश, याद रखिएगा बांग्लादेश, बोस्तामी कछुआ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है हमारे पास, आगे क्या है, चलिए दोस्तों ये है क्या, हॉक्सबिल टर्टल, हॉक्सबिल कछुआ, हॉक्सबिल, हॉक्सबिल कछुआ दोस्त, याद रखिएगा हॉक्सबिल, हॉक्सबिल कछुआ, बहुत बढ़िया, ठीक है, हॉकबिल या हॉक्सबिल, ठीक है, हॉकबिल का नाम उसकी संकीर्ण नुकीली चोंच के लिए रखा गया है, ये नाम इसका पड़ा है किसकी, किस लिए बेटा, इसकी चोंच जो है वो क्या है, वो आप यहाँ पे देखेंगे तो नुकीली है, नुकीली है दोस्त, इसकी चोंच नुकीली है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, हॉकबिल, ठीक है, इसकी चोंच जो है वो क्या है, नुकीली है, और ये बहुत मजबूत होती है दोस्त, बहुत ही मजबूत होती है, याद रखिएगा। और उनके एक गोले पर यानी कि देखा जाए सेल्स पर, ठीक है, ये सेल्स उसकी, उसके सेल्स पर बेटे अतिव्यापी पैमाने का एक विशिष्ट पैटर्न होता है, बिल्कुल अतिव्यापी पैमाने का, यानी देखा जाए तो एक के ऊपर एक पैटर्न्स ऐसे व्यवस्थित है कि आपको इसमें बड़ा आश्चर्य होगा जब भी आप इनको देखेंगे बड़े ध्यान से, तो एक के ऊपर एक पैटर्न्स लगेगा कि नहीं, जैसे 3D जो है पेंटिंग की गई, इस पे 3D पेंटिंग्स की गई है, वाकई बहुत सुंदर होते हैं, और इसी के लिए इनका क्या होता है, शिकार किया जाता है, ठीक है, इसी के लिए शिकार किया जाता है, और किसके लिए, ताकि जो अमीर रईस लोग हैं वो सिगरेट पी के उसमें अपनी राख झाड़ सके, ठीक, एस्ट्री बनाए जाते हैं, और साथ ही साथ इसकी क्या होती है दोस्त, इसकी कंघियां बनाई जाती है, इसके मन के, या देखा जाए तो कान की ज्वेलरी, आपके गले की ज्वेलरी, या फिर आपके हाथ के कंगन वंगन, इस टाइप के लोग बनाए जाते हैं, ठीक, बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्त, बहुत खूबसूरत होते हैं, हर चीज खूबसूरत है, बस देखने का नजरिया आपका होना चाहिए, बहुत बढ़िया। हाँ, ये डेंजर है, जितना सुंदर है, इतना सुंदर है दोस्त, उससे कहीं ज्यादा, ये क्या है दोस्त, उससे कहीं ज्यादा डेंजर है, याद रखिएगा, ये अधिक मूल्यवान बनाते हैं, ठीक है, आमतौर पर बाजारों में कछुए खोल के रूप में बेचे जाते हैं, बिल्कुल यार, इन्हीं का क्या किया जाता है, इन्हीं का शिकार किया जाता है, पोचिंग की जाती है इनको,
यानी इनकी पोचिंग की जाती है, किस लिए, इनके खास करके इनके सेल्स के लिए या इनके खोल या कवच के लिए। याद रखिएगा, इनके खोल या कवच के लिए दोस्त, या गोले के लिए, इनके ऊपर जो गोला अवस्थित होता है या कवच जो अवस्थित होती है, इसके लिए बेटे क्या किया जाता है, इनका शिकार किया जाता है। और ये बहुत खूबसूरत होते हैं दोस्त, बहुत ही खूबसूरत। ठीक, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त। आप किसकी बात करें, चलिए अब याद रखिएगा, ये कछुए जो है आपके हॉकबिल कछुए जो है, ये आयुषियन में क्या है दोस्त, केवल और केवल शिकार के चलते और आपकी बॉटम ट्रॉलिंग, ठीक है, पोचिंग हो गई, पोचिंग यानी जो शिकार, शिकार के चलते और क्या है दोस्त, बॉटम ट्रॉलिंग, बॉटम ट्रॉलिंग, ये क्या है दोस्त, ये टेक्निक है, ये एक टेक्निक है किसकी, फिशिंग करने के लिए, फिशिंग करने के लिए एक टेक्निक है बॉटम ट्रॉलिंग। बड़े बड़े जहाज यूज करते हैं जो बड़े बड़े जहाजों द्वारा इसका यूज किया जाता है, एक साथ बहुत सारी मछलियों को पकड़ने के लिए समुद्र के तट पर जो है देखा जाए तो एक ट्रॉली की तरह, ठीक है, ट्रॉली की तरह दोस्त क्या होता है, ये इस तरह से होगा और देखा जाए तो पीछे जो है एक तरह से संकीर्ण होता है, ठीक, और ये पीछे मतलब कि ये नेट होता है पूरा, तो इसमें रस्सी बंधी रहती है, ये चारों उसमें रस्सी बांध के जो है बड़े बड़े जहाज खींचते हैं। तो ये क्या होते हैं कि ये सी सरफेस पे घसीटते हैं, सी सरफेस पे घसीटने से क्या होता है, इनके आवासों का नुकसान होता है, इनके आवासों का नुकसान होता है, ठीक। इनके आवासों का क्या होता है बेटे, नुकसान होता है। और याद रखिएगा आयुषियन की जो रेड लिस्ट है दोस्त, आयुषियन की रेड लिस्ट में ये क्या है दोस्त, ये आयुषियन की रेड लिस्ट में क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है दोस्त, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक है, याद रखिएगा, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, ठीक, गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्या, क्रिटिकल इंडेंजर्ड, और आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की सूची एक में, और आपके सिटीज या साइट्स की बात कर ले, यानी कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना की बात करें तो उसकी परिशिष्ट या अनेक्सरस एक में रखा गया है, यानी कि ये क्या है दोस्त, हाईली प्रोटेक्टेड है, एक चीज होती है आदत से मजबूत, क्या दोस्त, आदत से मजबूत, हाईली प्रोटेक्टेड है, शिकार किया जाएगा, ठीक है, इसका शिकार करेंगे लोग, जरूर करेंगे क्योंकि आदत से मजबूर है। दीवार पे लिखा रहता है यहाँ, कृपया यहाँ पेशाब ना करें, आप देखेंगे लोग वहीं जाके पेशाब करते हैं, दीवार पे लिखा रहता है कृपया यहाँ न थूके, लोग वहीं जाके थूकते हैं, ठीक, ये होता है बेटे, ठीक, क्या क्या हुआ दोस्त, क्या हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, श्रद्धा जी स्वागत है, स्वागत है, फिर से स्वागत है, स्वागत है दोस्त, बहुत स्वागत है, क्या हुआ, क्या हुआ अमिता जी, बोलिएगा, क्या पूछना था दोस्त, क्या पूछना था, क्या पूछना था, क्या मनुष्य होता ही ऐसा, बिल्कुल बिल्कुल होता है दोस्त, मनुष्य होता ही ऐसा है, बिल्कुल। चलिए खतरे क्या है बेटे, अब इसके लिए खतरे की बात कर ली थी मैंने अभी, इनका शिकार हो रहा है बड़े पैमाने पे, फिशिंग ट्रॉलिंग होती है, तो ये देखिए कछुए का खोल का व्यापार, कछुआ खोल का व्यापार, यानी जो कछुए का खोल या ऊपरी जो सेल्स होते हैं या कवच जो इनका होता है ऊपर का हार्ड सेल्स, इसके लिए क्या किए जाते हैं, इसके लिए इनका किया जाएगा शिकार, इसके लिए इनका शिकार किया जाता है, किसका, आपके कछुए का, किसके लिए, इनके कछुए के खोल के लिए, सोचिए कछुए के खोल के लिए क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, और इनके किसके लिए, एक कलेक्शन के लिए, यानी इनके अंडों का भी क्या किया जाता है, संग्रहण किया जाता है, इनके अंडों का भी संग्रहण किया जाता है, बिल्कुल बिल्कुल यामिन जी स्वागत है दोस्त, स्वागत है, इनके अंडों का संग्रहण किया जाता है, बताइए इनको तो हम मार ही रहे हैं या इनके खोल का तो हम व्यापार कर ही रहे हैं, और साथ ही साथ इनके हैबिटेट का भी डिस्ट्रक्शन कर रहे हैं, साथ ही साथ इनके अंडों का भी हम क्या कर रहे हैं, कलेक्शन कर रहे हैं, बाजार में बहुत ऊंचे दाम पर बेचे जाते हैं इनके अंडे, और साथ ही साथ देखे दोस्तों तो मांस के लिए वध, बिल्कुल मांस के लिए भी क्या करते हैं, वध करते हैं, क्यों, क्योंकि ये मरीन चीज है, मरीन रेप्टाइल्स है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, मांस के लिए भी इसका वध किया जाता है। ऑयल पॉल्यूशन, यानी कि देखा जाए तो ऑयल स्पिल की बात करें, ऑयल स्पिल से क्या हो रहा है दोस्त, ऑयल स्पिल से इनका
देखा जाए तो इनका प्रवासन हो रहा है या ऑयल स्पिल से इनके आवासों का विनाश हो रहा है, यहाँ से इनकी मृत्यु और जनसंख्या में कमी देखी जा रही है। ऑयल स्पिल, बड़े बड़े जहाज जो है, बड़े बड़े टैंकर्स, वो क्या होते हैं, आपके समुद्रों में डूब जाते हैं या फूट जाते हैं या देखा जाए तो क्रैश होते हैं, तो वहां पे क्या होता है, ऑयल स्पिल यानी तेल का बिखराव होता है। तेल का जब बिखराव होगा तो जाहिर सी बात है तेल के बिखराव से ना तो आपकी डिजॉल्विंग ऑक्सीजन वो क्या होगी, वो तो कम होगी होगी, साथ ही साथ आपका जो लाइट है वो पेनिट्रेट नहीं करेगा नीचे, और वहां पे रहने वाले जो जीव है या फिर उस सतह पे जो देखा जाए डिजॉल्विंग ऑक्सीजन है वाटर की, वो सब समाप्त हो जाएगी, या वहां पे रहने वाले जो ऑर्गेनिज्म है वो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ये तो कछुए हैं, वो तो सारे के सारे समाप्त हो जाएंगे। ऑयल स्पिल आपने देखा होगा, पहला जो आपका मैराथन था उसमें आपको बताया गया था श्रीलंका के तट पर हुआ क्या, तेल रिसाव, एक टैंकर जो है वो क्या था, फट गया था दोस्त, डूब गया था, उससे ऑयल स्पिल हुआ था, तो बहुत सारे खतरे सामने आए थे उसमें, बहुत सारे खतरे सामने आए थे। बिल्कुल 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 मोटिवेशन जी, स्वागत है दोस्त, स्वागत है। चलिए, नहीं बेटे ये बड़े बड़े होते हैं बेटे, 15 से 20 किलो 25 किलो के होते हैं, छोटे मोटे नहीं होते, याद रखिएगा, बड़े बड़े भी होते हैं छोटे छोटे भी होते हैं, ऐसा नहीं है। और साथ ही साथ घोंसलों के शिकार और चारागाहों का विनाश, घोंसले में क्या किया जाता है, इनका शिकार किया, चारागाहों का विनाश, बिल्कुल सी ग्रास यानी कि बॉटम ट्रोलिंग से क्या हो रहा, जो सी ग्रास है समुद्र तट पे, जो समुद्री घास है, याद रखिएगा समुद्री घास घास नहीं है, मैंने बताया था, मैंने पढ़ाया था पहले ही, सी ग्रास जो है ग्रास नहीं है, ये क्या है, ये पौधा है, फ्लावरिंग प्लांट है, ये याद रखिएगा पौधा है, और सी ग्रास घास नहीं है, जब भी कभी आए तो ये भूलिएगा मत, ये पढ़ाया जा चुका है आपको, आपको पढ़ाया जा चुका है बेटे, याद है, किसको किसको याद है बताएंगे, किसको किसको याद है कि सी ग्रास जो है वो घास नहीं है, सॉरी वो घास नहीं है, किसको किसको याद है, कि आपको क्लास में बताया गया था, ये छोटी छोटी मगर मोटी बातें, शक्तिमान वाली बात जाते हो ना, वो क्या है दोस्त, पता है कि नहीं, किसको किसको पता है, ठीक, बहुत दोस्त, बहुत 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 बढ़िया, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ठीक है तनु जी बहुत बढ़िया, सुषमा जी करिए बहुत जी, बिल्कुल पता है, सॉरी सर नहीं याद है, बिल्कुल कोई बात नहीं, अभिता जी शायद आपने वो क्लास नहीं की थी दोस्त, आप शायद उस क्लास में नहीं थे ना, बिल्कुल कृष्णा जी क्लियर है, आप थे ने? आप नहीं थे शायद, अभिषेक जी याद है, बिल्कुल अभिषेक जी याद होना चाहिए बेटे, क्योंकि वहां पे मैंने आपको इम्पोर्टेंट नोटिस करके बताया था, प्रीलिम्स यानी फैक्ट फॉर प्रीलिम्स करके बताया था, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स करके बताया था कि सी ग्रास इज नॉट अ ग्रास, ठीक है, फैक्ट फॉर प्रीलिम्स करके बताया था, ठीक, बिल्कुल कोई बात नहीं दोस्त, तो यही सब चीजें हैं, यही सब क्रक्स है बेटे जो यूपीएससी पूछता है, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं हो, या फिर जो है, बिल्कुल तनु जी याद होना चाहिए दोस्त, अगर आप लोगों को याद नहीं होगा तो दुख होगा दोस्त, बहुत बढ़िया, बिल्कुल 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 रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये क्या है दोस्त, ये है आपकी, देखा जाए क्या, ये है आपके खतरे यानी घोंसले के शिकार या चरागाहों का विनाश, अन्य प्रजातियों के साथ हॉक्सबिल का संकरण, यानी देखा जाए तो जो अन्य प्रजातियां हैं वो भी क्या करती है, यानी ओवर पॉपुलेशन जब होगा दोस्त, यानी सीधी सी बात है यार, हिप्पो याद है ना, हिप्पो हिप्पो किसको किसको याद है, जिसको जिसको हिप्पो नहीं याद है कृपया वो हाथ उठाए, कृपया वो हाथ उठाए या थंब बनाए, किसको किसको हिप्पो याद नहीं है, जल्दी बताइए जल्दी बताइए, आपको नहीं पता हिप्पो, कोई बात नहीं दोस्त, कोई बात नहीं, रोहित जी याद है, तानिया जी, आराधना जी याद है, अभिता जी याद है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं बेटे, या फिर ये चीजें ऐसी होती हैं कि आपको हमेशा याद रह जाती हैं, आप कहीं भी आप जैसे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन की बात आए तो जहां चुनौतियों की बात आएगी, जहां आप देखेंगे वो फैक्टर जो क्या करते हैं बायोडाइवर्सिटी का नाश करते हैं या उन पर देखा जाए जोर डालते हैं या फिर विनाश करते हैं, तो हिप्पो, सीधी सी बात हिप्पो आपको याद है, तो आपके 5 पॉइंट तैयार है बेटे, 5 पॉइंट तैयार है, यानी आपका प्रश्न पूरा, बिल्कुल बिल्कुल अभिषेक जी, आराधना जी बहुत बढ़िया, राखी जी दरियाई घोड़ा, हाँ बेटे कृष्णा दरियाई घोड़ा होता है हिप्पो में, संगीता जी कह रही है बिल्कुल याद है, विवेक जी बिल्कुल याद है, प्रीति जी बहुत बढ़िया दोस्त, आप लोगों से बहुत उम्मीदें हैं दोस्तों, बहुत उम्मीदें हैं, तो याद रखिएगा ये क्लास अगर आप लोग करते हैं तो गारंटी के साथ कर रहा हूं दोस्त, आप कहीं भी फिलोर नहीं होने वाले, आप कहीं भी फिलोर नहीं होने वाले, खास करके आपके यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी की बात करें, यूपीएससी के कितने 16 से लेके 18 प्रश्न,
16 से लेके 18 प्रश्न, यानी कितना दोस्त, 32 से लेके 34 नंबर तक, ठीक है, 32 से लेके 34 नंबर गारंटी अकेले, यानी कि इन्वायरमेंट इकोलॉजी से हर साल तो एवरेज है 16 नंबर, तो 16 क्वेश्चन तो एवरेज है, ठीक है। नहीं नहीं नहीं, समुद्री घोड़ा नहीं दोस्त, समुद्री घोड़ा नहीं, यहाँ पे बेटे कंफ्यूजन है कुछ लोगों को कंफ्यूजन है, चलो कोई बात नहीं, दूर कर देता हूं। हिप्पो याद रखिएगा, हिप्पो यानी क्या, एक तो होता है हैबिटेट, ठीक है, एच फॉर हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, ठीक है, हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन यानी कि क्या, आवासों का विनाश, एच फॉर हैबिटेट डिस्ट्रैक्शन, आई फॉर इनवेसिव स्पीसीज, ठीक है, इनवेसिव स्पीसीज यानी कि ये अन्य प्रजातियों के साथ हॉक्सबिल का संक्रमण, यानी इनवेसिव स्पीसीज यानी कि अन्य प्रजातियों के साथ क्या हो रहा है, संक्रमण हो रहा है उसके साथ, या फिर देखा जाए तो उनके आवास का या फिर उनके स्थानों का विनाश हो रहा है, ये भी क्या है, जिम्मेदार है उनके प्रवासन के लिए या वहां से पलायन के लिए। पी फॉर पॉल्यूशन याद है किसी को, बताएंगे लिखेंगे सब लोग। और दूसरा पी फॉर क्या है दोस्त, दूसरा पी फॉर है पोचिंग, ठीक है, पोचिंग यानी शिकार, पॉल्यूशन यानी प्रदूषण, और ओ फॉर है दोस्त ओवर पॉपुलेशन, ठीक है, ओवर पॉपुलेशन यानी कि अति जनसंख्या या जनसंख्या वृद्धि, ये क्या है दोस्त, बिल्कुल दरियाई घोड़ा नहीं है बेटे, अब है दरियाई घोड़ा नहीं है दोस्त, दरियाई घोड़ा नहीं है, ठीक है। हिप्पो मीन्स होता है आपका एक कोड वर्ड है बेटे, कोड वर्ड है, जैसे आप लोग पढ़ते हो ना, आप लोग क्या करते हो, शॉर्ट्स बनाते हो, शॉर्ट्स क्या बोलते हो उसको, ट्रिक्स बनाते हो ना, याद करने के लिए बहुत सारी चीजें, तो ऐसे ही अपन लोग भी करते रहेंगे, जाहिर सी बात है। तो हिप्पो क्या है दोस्त, हिप्पो वो चीज है जो आपके बायोडाइवर्सिटी को देखा जाए तो नुकसान पहुंचाता है, हिप्पो याद रखिएगा, हिप्पो, ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल रिया जी, पोचिंग, पॉल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं भाई जी, हम सबको कुछ नहीं आता बेटे, ऐसे ही तो सीखते हैं, कोई दोस्त बताएगा, कोई टीचर बताएगा, या फिर हम कहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही सीखते हैं इसमें, बिल्कुल कोई बात नहीं दोस्त। इसमें क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको क्या करते हो आप, कि भाई हो सकता है टीचर से छूट जाए, हो सकता है आप पढ़ने कभी वो सब चीजें पढ़ने के लिए ना मिले, कभी कभी हो सकता है ना कि आपका फ्रेंड बताता है, यार तू देख तुम्हें ये चीज नहीं पढ़ी ना, मैंने पढ़ी थी, सुन ले ये बात अच्छी ऐसी ऐसी थी, या फिर इसमें ये प्रावधान किए गए हैं, ठीक है, वो बातें हमेशा याद रहती है आपको, चीजें ऐसे ही सीखते हैं लोग, ठीक है। सर मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी है प्लीज, आप फ्री फी बताओ। अच्छा बेटे, ऑफलाइन करनी है, फी बताओ, आप करिए फोन, यहाँ पे आप ऑफिस में करिए फोन, फिर सारी चीजें आपको मिलेंगी बेटे, जब तक गलत होगा तब तक, बिल्कुल 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 दोस्त, याद रखिएगा, जब तक आप सीखेंगे नहीं, गलतियों से नहीं सीखेंगे, और याद रखिएगा समय और परिस्थितियां आपको ही सिखाएंगी, दूसरों को नहीं, आपको ही सिखाएंगी, ठीक। और दूसरी बात हम क्या कर रहे थे दोस्त, दूसरी बात कर रहे थे हम मछली पकड़ने के लिए गियर सहित समुद्री मलबे में उलझाओ और अंतर्ग्रहण, यानी कि जो समुद्री मलबा है, समुद्री कचरा है, उसको भी क्या कर रहे हैं, ये ग्रहण कर रहे हैं, और साथ ही साथ गियर की बात कर रहे हैं, यानी भाई हम किसकी बात कर रहे हैं, वही बॉटम ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक है, बॉटम ट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, ठीक, बॉटम ट्रोलिंग, ठीक है, इससे हम क्या कर रहे हैं, इनके आवासों का विनाश कर रहे हैं, इसके चलते भी क्या है, ये खत्म हो रहा है, और साथ ही साथ मलबे में क्या है, मलबे को खा रहे हैं, या मलबा, मलबे में क्या हो सकता है, समुद्री मलबे में अक्सर आप देखते हो कि सील्स होती है जो वो, और साथ ही साथ आपकी मछलियां या आपके कछुए जो नेट्स होते हैं, जाल होते हैं मछली पकड़ने वाले, उसमें फंसे होते हैं बेचारे, या उनकी गर्दन जो है वो कभी कभी आप देखेंगे तो टाइट हुई रहती है, और क्या करते हैं, उन मलबों को अंतर ग्रहण भी किया जाता है इनके द्वारा, या उनको खाया भी जाता है, तो इससे क्या हो रहे है, ये मर रहे हैं दोस्त। सर कछुआ क्या क्या खाते हैं, बिल्कुल बेटे सी ग्रास खाएंगे, आपके लीव्स खाएंगे, याद रखिएगा सी ग्रास, लीव्स, ये सब चीजें खाते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए कोई बात नहीं दोस्त, बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आगे देखते हैं आगे क्या है दोस्त, लॉगर हेड टर्टल
लॉगर हेड यानी कि देखा जाए तो लॉर्ज हेड या लॉगर हेड बोला जाता है, यानी बड़े सिर वाले कछुए, बड़े सिर वाले कछुए। लॉगर हेड कछुओं का नाम उनके बड़े सिर के लिए रखा गया है जो शक्तिशाली जबड़े और मांसपेशियों का समर्थन करते हैं। याद रखिएगा, शक्तिशाली जबड़े और मांसपेशियों का समर्थन करते हैं, जिससे उन्हें क्लैम या समुद्री ऑर्चिन जैसे कठिन खोल वाले शिकार को कुचलने की शक्ति मिलती है। याद रखिएगा, अब यहां पे क्या हो गया, ये नॉनवेज यानी कि शाकाहारी से मांसाहारी में आ गया। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ शाकाहारी नहीं होते दोस्त, अधिकांश प्रजातियां शाकाहारी होती हैं, अधिकांश प्रजातियां शाकाहारी होती हैं। पिंका बानो जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। कछुआ सबसे ज्यादा उड़ीसा के समुद्री तट पर होता है। बिल्कुल दोस्त, समुद्री तट पर होता नहीं है, समुद्री तट पर जो है ये लोग नेस्टिंग करते हैं या घोंसले बनाते हैं। कहां? आपके समुद्री तट पर, किस जगह? गहीरमाथा में। याद रखिएगा, गहीरमाथा यानी उड़ीसा का गंजाम जिला, गहीरमाथा तट पर ये क्या करते हैं, सबसे ज्यादा मॉस नेस्टिंग करते हैं। मॉस नेस्टिंग यानी कि अधिकतर घोंसले वही बनाते हैं ये लोग। ठीक दोस्त, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया रोहित जी। तो ये क्या है दोस्त, याद रखिएगा, समुद्री आर्चिन जैसे कठिन खोल वाले शिकार को भी ये क्या करते हैं, अपने हेड से, अपने सिर से ये कुचल देते हैं, या उनके खोल को, या उनके जो सील्स होते हैं, या देखा जाए उनके जो सेल्स लगे होते हैं उसको खोल देते हैं, उसको खोल देते हैं। ठीक है दोस्त, चलिए ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, और हम किसकी बात करेंगे, और यह अन्य समुद्री कछुओं की तुलना में उनके मांस या खोल के शिकार होने की संभावना कम होती है। बिल्कुल, अब जो खतरा करता है उसके पास नहीं जाएंगे। ठीक, बिल्कुल निशा जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। तो ये क्या है दोस्त, अन्य समुद्री कछुओं की तुलना में उनके मांस या खोल के शिकार होने की संभावना कम होती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। बाइकैच मछली पकड़ने के गियर में समुद्री जानवरों का आकस्मिक कब्जा लॉगर हेड कछुओं के लिए गंभीर समस्या है। गंभीर समस्या क्या क्या है दोस्त, गंभीर समस्या इनके लिए भी क्या है, गंभीर समस्या क्या है दोस्त, गंभीर समस्या है इनके लिए। देखा जाए तो बाइकैच, ठीक है, बाइकैच यानी देखा जाए एक होता है कि भाई अचानक से क्या होते हैं, ये फंस जाते हैं किसी जाल में। ठीक है, जाल में फंसने के कारण, और मछली पकड़ने के गियर में, या देखा जाए तो समुद्री, जो हम बात करें किसकी, बॉटम ट्रोलिंग की बात कर रहे थे, किसकी, बॉटम ट्रोलिंग की बात कर रहे थे। तो बॉटम ट्रोलिंग से भी क्या हो रहा है, इनका नुकसान हो रहा है, और साथ ही साथ जानवरों का आकस्मिक कब्जा यानी कि कई जानवर आके इसके क्षेत्र में कब्जा कर लेते हैं, तो ये भी क्या करते हैं, पलायन कर जाते हैं वहां से, ये भी पलायन कर जाएंगे। बिल्कुल लालचंद जी स्वागत है दोस्त, बहुत बहुत स्वागत है। ठीक, ये भी क्या करते हैं दोस्त, पलायन कर जाते हैं। आवाज नहीं आ रही, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही, आप प्लीज एक बार जो है आप क्या करिए, दो दिन की नहीं लगी है क्या सर? बिल्कुल लगी है दोस्त, बिल्कुल लगी है, आप जाके देखिए दोस्त, आप जाके देखिए, बिल्कुल आप जाके देखिए दोस्त। फिर किसकी बात करते हैं दोस्त, फिर याद करिए कि लॉगर हेड कछुए क्या है दोस्त, ये मतलब समस्याएं हैं इसकी, और कि देखा जाए तो ये अक्सर मत्स्य पालन के समय, ठीक है, मत्स्य पालन में भी ये क्या करते हैं, पाले जाते हैं, देखे जाते हैं, इनका पालन भी किया जाता है, इनकी मछलियों इन कछुओं का पालन भी किया जाता है। और याद रखिएगा, ये लॉगर हेड जो कछुए हैं आपके, लॉगर हेड या लॉग जो लॉर्ज कछुए होते हैं, भूमध्य सागर में सबसे आम कछुआ है, जो ग्रीस और तुर्की से लेकर इजराइल और लीबिया तक समुद्री तटों पर घोंसला बनाते हैं। ये लाइन मस्ट है बेटे, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, या पूछा जा सकता है कि वो कौन से कछुए हैं जो आपके ग्रीस, लीबिया या इजराइल के तटों पर क्या है, ये अपना घोंसला बनाते हैं। नेस्टिंग की बात आती है तो हम ओलिव रिडले का नाम लेते हैं, तो ओलिव रिडले को सभी लोगों ने पढ़ रखा है। तो ये क्या है, ये आपके लिए इस बार का सबसे इंपॉर्टेंट क्रस पॉइंट है, या सबसे हार्ड कोर पॉइंट है, क्या, लॉगर हेड कछुआ। लॉगर हेड कछुआ वहां पे क्या, ग्रीस में, तुर्की में, इजराइल और लीबिया तक क्या है, ये वहां के समुद्री तटों पर क्या करते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं दोस्त, अपने घोंसले बनाते हैं। तो लिख लीजिए इसको एक बार, लिख लीजिए, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, आपके पास है केवल 3 सेकंड दोस्त,
आपके पास 3 सेकंड है, ये लाइन लिख लीजिएगा कहीं भी, ठीक है। हो गया, चलिए चलिए दोस्त, अब देखा जाए तो इनका जो कंजर्वेशन स्टेटस है, कंजर्वेशन स्टेटस में ये IUCN की रेड लिस्ट में क्या है दोस्त, ये सुभेद्य है, ठीक है, सुभेद्य है, इसमें IUCN की रेड लिस्ट में ये क्या है, सुभेद्य है, यानी वल्नरेबल है। और आपकी साइट्स की अपेंडिक्स 1 में साइट्स की देखा जाए परसिस्ट 1 में रखे गए हैं, 1 में रखे गए हैं, यानी संख्या है अभी संकटग्रस्त है, लेकिन अभी संख्या इनकी काफी ज्यादा बनी हुई है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए आगे देखते हैं दोस्त, आगे क्या है आपके पास, तो लॉगर हेड की बात की भाई, लॉगर हेड तो हमने देखा नहीं, तो बीते ये है क्या, ये है आपके लॉगर हेड, ये बड़े होते हैं, याद रखिएगा ये बड़े बड़े होते हैं, ये क्या, ये है आपके लॉगर हेड, लॉगर हेड कछुए, या देखा जाए तो लॉगर हेड कछुए, ठीक है। इनका सर जो है वो बहुत बड़ा होता है, सर बहुत बड़ा होता है, याद रखिएगा, ठीक। राणा सिंह राजपूत जी क्या हो गया, क्यों परेशान कर रहे हो बच्चों, बिल्कुल पढ़ो बेटे पढ़ो, बाद में यदि समय नहीं रहेगा ना तो समय की कीमत का पता चलेगा, कि काश सर ने लॉगरहेड पढ़ाया था, लेकिन यह भी बताया था कि ये तुर्की, ग्रीस, लीबिया और इसराइल की तटों पर, समुद्री तटों पर ये क्या करते हैं, अपने नेस्टिंग करते हैं, वहां पे क्या होगा जब एग्जाम में ये सब चीजें आएंगी, जब आप समझ नहीं पाओगे फिर कैसे होगा, तो इसके लिए पढ़ना जरूरी है दोस्त, इसके लिए पढ़ना जरूरी है। नहीं बेटे WPA में नहीं है ये, आपके यहां नहीं है, सर आपने बताया नहीं ISPCS की फी के बारे में कोई नंबर हो, बेटे आप जो है आप फोन करिए, कहाँ नीचे फोन दिया गया है, आप फोन नंबर दिया गया है, वहां पे आप फोन कर सकते हो, आपके देखिए स्क्रीन पे जो स्क्रॉलिंग हो रही होगी ना, स्क्रॉलिंग हो रही होगी स्क्रीन पे मेरे जस्ट यहाँ पे नीचे स्क्रॉलिंग हो रही होगी, तो वहां पे नंबर दिए गए होंगे, वहां पे आप बात कर सकते हैं बेटे, ठीक है। वहां पे नंबर दिए गए होंगे, नहीं बेटे औकात कोई कुछ नहीं है यार, कोई कुछ नहीं है, सब हाइड्रोजन से बने हो, कुछ नहीं हो कोई, ठीक है, एक दिन आए हो निकल जाओगे, कोई कुछ नहीं कहेगा, दुनिया चलती रहेगी, दुनिया ऐसी चलती रहेगी दोस्त। और अगर महात्मा गांधी बनना है, अगर सुभाष चंद्र जी बोस बनना है, या आपको कलाम जी बनना है, तो भाई अपने नैतिकता को क्या करना पड़ेगा, नैतिक चरित्र जो है वो मजबूत करना होगा, जाहिर सी बात है, बिल्कुल चलेगी दोस्त, बिल्कुल चलेगी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दोस्त, नहीं नहीं कल नहीं हुई थी दोस्त, कल कोई इवेंट था तो इवेंट भी नहीं हुआ और क्लास भी नहीं हुई दोस्त, उसके चलते कल की क्लास पोस्टपोन हो गई थी, तो आज वो क्लासेस होगी। तो ये रहा दोस्त क्या, ये रहा आपका लॉगर हेड कछुआ, और देखिए आगे क्या है, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल, ठीक है, ये क्या है, ये आपका नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल है, जो कहां पाया जाता है दोस्त, अक्सर ये सतलज, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र, महानदी, पद्मा इत्यादि नदियों में पाए जाते हैं, ये क्या है दोस्त, ये है आपके इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल, याद रखिएगा, लिख लेना बेटे, लिख लेना ये नाम, ये नाम लिख लेना दोस्त, इंडियन नैरो हेडेड सॉफ्ट सेल टर्टल, ये नाम लिख लेना, और दोस्तों याद रखिएगा ये सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, पद्मा इत्यादि नदियों में पाए जाते हैं, और इसके अलावा गोदावरी, नेपाल और बांग्लादेश में भी ये पाए जाते हैं, याद रखिएगा, ये लाइन की लाइन, पूरी की लाइन लिख लेना बेटे, और याद रखना इसका जो IUCN स्टेटस है, यानी कि हम कंजर्वेशन की बात करें या संरक्षण की स्थिति की बात करें, बिल्कुल 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 दोस्त, बिल्कुल 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 दोस्त, ये क्या है, ये अलग टाइप से है, नैरो हेडेड यानी इसका सर बहुत छोटा है, सर छोटा है दोस्त, आप खुद देख लीजिए, सर बहुत छोटा होता है,
और ये इसका इसके संरक्षण की स्थिति देखी जाए दोस्त, संरक्षण की स्थिति दोस्त आपके IUCN की रेड लिस्ट में क्या है दोस्त, रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है, रेड लिस्ट में क्या है दोस्त, रेड लिस्ट में ये इंडेंजर्ड है और आपके वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में रखे गए हैं। और साथ ही साथ साइट्स यानी बात करें कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना की, तो साइट्स की परिशिष्ट या अपेंडिक्स दो में रखे गए हैं, न कि एक में, दो में। यहाँ पे ये कंफ्यूजन है, जो आपका लॉगर हेड था वो क्या था, वन में था, और जहां आपका देखा जाए तो जो नैरो हेड सॉफ्ट सेल है ये आपका दो में रखा गया है, साइट्स की दो में अनुसूची दो में रखा गया है, याद रखिएगा। यहीं पे आपका क्या करेगा, UPSC फंसाएगा आपको, ठीक है, UPSC यही फंसाएगा बेटे, क्योंकि हमको आदत रह गई है पढ़ने की IUCN की रेड लिस्ट में क्या होगा, क्रिटिकल इंडेंजर्ड होगा, इंडेंजर्ड होगा, या फिर हो सकता है क्या एक्सटिंक्ट हो, ठीक है, समाप्त हो गया हो, इंडेंजर्ड, क्रिटिकल इंडेंजर्ड और सुभेद यानी वर्नरेबल, ये तीन की पढ़ने की आदत होती है। UPSC बहुत अच्छे तरह से जो है आपकी मानसिकता को समझता है, ऐसे नहीं पेपर बनाता, वो सिंपल ही होते हैं, बस समझने की देर होती है आपको, आपको समझने की देर होती है, ठीक। फिर किसकी बात करें दोस्त, ये आपके साइट्स में सेकंड है, सेकंड है, सेकंड है, यानी कि साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज की अनुसूची परिशिष्ट दो में रखे गए हैं, ठीक है दोस्त, दो में रखे गए हैं, बिल्कुल 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 मधु जी, बिल्कुल दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, चलो कोई बात नहीं। श्रद्धा जी आप प्लीज अपना 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 काम करिए बेटे, अपना काम करिए, हम स्वतंत्र देश में रहते हैं बेटे, सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन वहीं तक जहां तक दूसरे की स्वतंत्रता है, ठीक है, चलो चलो दोस्त, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, लड़ाई करने दीजिए, लड़ाई करने दीजिए सबको, जिसको लड़ाई करनी है लड़ाई करे, आपको करनी है पढ़ाई तो प्लीज आप पढ़ाई करिए दोस्त, आप पढ़ाई करिए, यही तो चीजें सीखनी है आपको दोस्त, यही चीजें सीखनी है। रेड क्राउन रूफ टर्टल याद रखिएगा, रेड क्राउन रूफ टर्टल इस बार का ये क्या है दोस्त, मोस्ट इंपॉर्टेंट कछुआ होने वाला है आपका, क्या, रेड क्राउन रूफ टर्टल, ठीक है, रेड क्राउन रूफ टर्टल ये क्या है दोस्त, इस बार आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट कछुआ होने वाला है, किसके लिए, UPSC के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, भारतीय वन्यजीव संस्थान के अनुसार लाल मुकुट वाला छत वाला कछुआ, यानी इसको देखा जाए तो बंगाल रेड क्राउन टर्टल भी बोला जाता है, बंगाल रेड क्राउन टर्टल भी क्या है, बोला जाता है, याद रखिएगा इसको, बंगाल रेड क्राउन टर्टल भी बोला जाता है, ठीक है। यह भारत नेपाल और बांग्लादेश का मूल निवासी है, याद रखिएगा, भारत नेपाल और बांग्लादेश में यह पाया जाता है, और व्यापक रूप से गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाया जाता है, व्यापक रूप से कहां है दोस्त, व्यापक रूप से कहां है आपके, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी घाटी में पाए जाते हैं। वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय चंबल नदी घड़ियाल अभ्यारण्य, ठीक है, ये नाम याद रखना बेटे, ये नाम याद रखना, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, ये बहुत जरूरी है, एकमात्र भौगोलिक क्षेत्र है जहां प्रजातियां पर्याप्त संख्या में पाई जाती हैं, ये नाम याद रखना, ये पूरी की पूरी लाइन जितनी भी आपके साथ दिख रही है ना 8-10-11 लाइन, ये पूरी की पूरी लाइन दोस्त क्या है, ये पूरी की पूरी लाइन आपके लिए महत्वपूर्ण है, और क्यों बताता हूं, पहले आप लिखिए और देखिए, तो IUCN का जो स्टेटस है इसका, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, यानी गंभीर रूप से संकटग्रस्त है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, चर्चा में रहा है, और साथ ही साथ आपके साइट्स की अनुसूची, साइट्स की परिशिष्ट या अपेंडिक्स दो में क्या है, दर्ज की गई है, दो में बेटे दर्ज की गई है, क्या आपकी देखा जाए तो क्या ये आपका रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल साइट्स की परिशिष्ट दो में इसको दर्ज किया गया है, दो में दर्ज किया गया है, और साथ ही साथ दोस्तों ये चर्चा में रहा है, क्या सिटीज कॉप 19 यानी या साइट्स की बात करें कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ऑफ इंडेंजर स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इसका कॉप 19 कहां हुआ, पनामा में, पनामा में हुआ 2022 में, और याद रखिएगा वहां पे आपके देखा जाए तो किसकी बात की गई, इंडियन टर्टल फेसिंग हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन एडेड टू लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज, यानी किसकी बात की गई, रेड क्राउन रूफ्ड कछुए की बात की गई, दो भारतीय कछुए कौन कौन से बेटे, रेड क्राउन रूफ टर्टल, रेड क्राउन रूफ टर्टल यानी कि रेड क्राउन रूफ कछुए की बात की गई, ठीक, ये देखिए, और इसको
बटागुर कछुआ बोलते हैं, बटागुर कछुआ यानी इसका जीव वैज्ञानिक नाम है, और लीथ का सॉफ्ट सेल कछुआ, ठीक सॉफ्ट सेल पढ़ा था ना, ये क्या है दोस्त, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, क्रिटिकल इंडेंजर्ड है, लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतरराष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के परिशिष्ट एक में जगह बनाई है, ठीक है एक में जगह बनाई है, याद है एक में जगह बनाई है। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे दोस्त, अब ये सिटीज की जो दो रखे हो ना, जो दो अभी तक पढ़ रहे हो आप, इसको दो नहीं बेटे एक करो। अब यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, ठीक है ये क्या हो जाएगा दोस्त, ये एक हो जाएगा, ये एक हो जाएगा, यही है क्या, यही है अपडेट आपका, ठीक है यही अपडेट होता बेटे, ये अब एक हो गया। और यही अपडेट अगर आपने नहीं किया, कछुआ तो कछुआ तो कछुओं की बात की गई होगी, तो गए आप काम से, यहाँ पे यूपीएससी दो नंबर आपसे छीन लेगा और बड़े हक से छीनेगा, भैया हमने तो अवेयर किया था आपको, हमने तो न्यूज़पेपर में दिया था चीजें, आपने ही नहीं पढ़ा, ठीक। चलो चलो बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। अब किसकी बात करें, साइट्स की परिशिष्ट दो में, तो दो काट देना बेटे, दो काट देना या न काटना, मत काटो कोई बात नहीं, लेकिन 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 इसको आप लोग क्या करिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा, तो जो आपकी साइट्स है उसका कोप 19 कहां हुआ था दोस्त, कोप 19 हुआ था उसका कहां, कोप 19 आपका हुआ था पनामा सिटी में, याद रखिएगा पनामा सिटी में कोप 19 हुआ था, वहां पे क्या किया गया, वहां पे आपके दो भारतीय कछुए यानी कि रेड क्राउन रूक कछुआ और दूसरा सॉफ्ट सिल्क कछुए को क्या किया गया, परिशिष्ट एक में जगह दी गई, यानी कि जो उसका अपेंडिक्स एक है उसमें जगह दी गई, ठीक यानी कि अब परिशिष्ट एक में देखो सीधे सीधे साफ साफ शब्दों में लिखा है, प्रजातियों को परिशिष्ट दो में से एक में ले जाया गया, सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा है, बिल्कुल सीधे सीधे साफ शब्दों में लिखा है दोस्त कि परिशिष्ट दो से एक में ले जाया गया, ऐसे ही आपको सीधे बना देगा उठा के ये क्या यूपीएससी प्रश्न आपके लिए, ठीक है। अब देखिए परिशिष्ट दो क्या है, उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिन्हें विलुप्त होने का खतरा नहीं है, यानी कि दो में है तो विलुप्त होने का खतरा नहीं है, एक में है तो विलुप्त होने का खतरा है और उनको अधिक संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हो दोस्त, आगे क्या है, ग्रीन सी टर्टल हरा कछुआ सबसे बड़े समुद्री कछुओं में से एक है, याद रखिएगा ये जायंट्स कछुए होते हैं आपके, जायंट्स कछुए होते हैं सबसे बड़े, ठीक है सबसे बड़े कछुओं में से एक है और विभिन्न प्रजातियों में एकमात्र शाकाहारी है, ये क्या है, ये वो कछुआ है जो केवल शाकाहारी है, बिल्कुल ये वो कछुआ है दोस्त जो बिल्कुल। अच्छा क्या बता तनु जी, बिल्कुल साहिल जी करना पड़ता है दोस्त, करना पड़ता है, नहीं तो आप तक समझ आप तक सूचनाएं या फिर आप तक सही जानकारी कैसे पहुंचाई जाए, कैसे पहुंचाई जाए दोस्त। तनु जी क्या पूछना था बेटे, क्या पूछना था सर, एक में क्यों, एक में क्यों दोस्त, क्या साहिल ब्रो लाइक कर दिया है, डिसलाइक करना है क्या, ठीक देखो बेटे सही चीजें, सही चीजें या सही जानकारी आप तक प्राप्त हो वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है वो ज्यादा जरूरी है आपके लिए, ठीक सर। पैर में क्या लगाया, पैर में कहाँ क्या, पैर कहाँ है दोस्त इसका, कहना क्या चाहते हो यार, हाँ हाँ अच्छा इसलिए एक में किया गया, बिल्कुल जब दो परिशिष्ट दो में अगर शामिल है कोई जंतु, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, अगला यूनिट जो आपका रूल्स एंड रेगुलेशन पढ़ाया जाएगा ना, रूल्स एंड रेगुलेशंस, उसमें आपके साइट्स के भी रूल्स पढ़ाए जाएंगे, आपके डब्ल्यूपीए की छह जो अनुसूचियां हैं या छह सूचियां हैं वो भी पढ़ाई जाएंगी, तो आयुष्मान की जो रेड लिस्ट है वो भी बताई जाएगी, तो रेड लिस्ट के अलावा ग्रीन लिस्ट क्या होती है, पिंक लिस्ट क्या होती है, सारा बताया जाएगा, ठीक तो ये आप बिल्कुल परेशान मत होइए, तब आपको चीजें कनेक्ट होंगी, ठीक कनेक्ट होंगी बेटे कि कैसे, मतलब कि अगर परिशिष्ट तीन में है तो
तो संरक्षण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ध्यान मॉनिटरिंग निगरानी बराबर इनकी होती रहेगी। जब दूसरे में जाएंगे तो विलुप्त होने का खतरा नहीं है, बेशक इनपे क्या है संरक्षण की आवश्यकता है, और साथ ही साथ देखा जाए तो इनपे शिकार उकार पे क्या होगा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा, और जब स्थिति और गंभीर होगी यानी इनका विलुप्त होने का खतरा होगा या इनकी प्रजातियों में वृद्धि या जनसंख्या में वृद्धि नहीं देखी जाएगी, कुछ समय बाद इनको क्या किया जाएगा, इनको परिशिष्ट एक में जो है रख दिया जाएगा, यानी कि क्या हाईली प्रोटेक्टेड, यानी इनका शिकार इनके आवासों का विनाश ये आप बिल्कुल नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते दोस्त, इसलिए ठीक है। चलिए तो आज अपनी क्लास यहीं रोकते हैं दोस्त, मिलते हैं फिर, और कछुए के बारे में स्नो लेपर्ड के बारे में कल ही देखेंगे, आज नहीं दोस्त, आज नहीं देखेंगे। और जो बच्चे हैं ओलिव रिडले हैं, अभी प्रोजेक्ट ओलिविया है आपका, बहुत सारी चीजें हैं, उनको कल देखेंगे, आज नहीं दोस्त, ठीक है। तो एक बार सेशन को बेटे शेयर करिएगा, साथ ही साथ दोस्तों सेशन को लाइक सब्सक्राइब, जो बच्चे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करिएगा ताकि उनको क्लास की टाइमिंग नोटिफिकेशन सही से मिल सके, ठीक है दोस्त। चलिए बिल्कुल बिल्कुल दोस्त, चलिए दोस्तों मिलते हैं शाम को 7 बजे साइंस टेक की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।